जबलपुर में परागढ़ थाना पुलिस ने रेत के अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई की। इस दौरान रेत और मोटर बोट समेत 10 लाख रुपए का माल जब्त किया। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि हिरण नदी के इमलिया घाट पर मोटर बोट में हाईफाई डिवाइस लगाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इमलिया घाट में दबिश दी। पुलिस को देखते ही अवैध खनन में लगे व्यक्ति मौके से फरार हो गए। पूछताछ में पता चला जब्त किए गए दोनों मोटर बोट दीपू पटेल के हैं। दीपू पहले भी अवैध रेत का कारोबार करते हुए पकड़ा जा चुका है। फिलहाल पुलिस ने खनिज विभाग को जानकारी दे दी है। आज थाना पनागढ़ क्षेत्र अंतर्गत हिरण नदी से जो रेत का अवैध उत्खनन हो रहा था उसके विरुद्ध पनागढ़ पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई की है, जिसमें कि बोट से जो डिवाइस लगाकर जो अवैध परिवहन हो रहा था उसको उसको दबिश दी है। इसमें दो बोट और करीबन इसमें 10-15 पाइप और 10 लाख कीमती जो रेत है वो जब्त की गई। इसमें जबलपुर जिले के ओमती थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध कच्ची शराब की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में शराब और महुआ लहान जब्त किया। ये आरोपी अपने घर पर कच्ची शराब बना रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने शिव पार्वती मंदिर के पास से कच्ची शराब बरामद की। वहीं पुलिस के जाने से पहले आरोपी दया सुनकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ओमती थाने अंतर्गत भारतीपुर में शिव पार्वती मंदिर के पास एक घर है जिसमें कि जलती हुई भट्टी जिसमें अवैध कच्ची शराब से बन रही थी उसका जो है खुलासा हुआ है और ये फरार हो गए हैं। अभी इनकी तो तलाश की जा रही है। अभी महिलाएं हैं इनके घर में और जो भी लाहन है इनकी भी जो है तलाश की जा रही है। इन पर सख्त कार्रवाई होगी। ओमती